पुतिन मोदी की मुलाकात पर अमेरिका ने की है अपील, भारत रूस से यूक्रेन जंग पर बात करे। यह कहा है अमेरिका ने, यूक्रेन की संप्रभुता के मुद्दे पर भारत रूस से बात करे, ये कह रहा है अमेरिका। निवेदन किया गया है, अपील की गई। अमेरिका के विदेश विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने कहा, भारत हमारा भी रणनीतिक साझेदार है, लिहाजा यूक्रेन युद्ध के मुद्दे पर, यूक्रेन की संप्रभुता के मुद्दे पर रूस से भारत को बात करनी चाहिए। तो सुना आपने मोदी पुतिन की मुलाकात, अमेरिका की अपील, क्या है वो अपील जरा उस पर भी गौर करें। देखिए, रूस से भारत यूक्रेन की संप्रभुता का मुद्दा उठाए, यानी अमेरिका चाहता है कि यूक्रेन के विषय पर भी भारत बात करे, खासकर जो सोवरेनिटी है यूक्रेन की उसकी चर्चा करे। यूक्रेन जंग को लेकर भारत से ठोस समाधान की उम्मीद है। यूक्रेन की अखंडता संप्रभुता पर यूएन के चार्टर का सम्मान हो। भारत हमारा रणनीतिक साझेदार है और चीन के सामने भारत शक्तिशाली भागीदार है। मैथ्यू मिलर प्रवक्ता विदेश विभाग, उन्होंने ये बात कही है। मनीष, अमेरिका को अभी भी लगता है कि भारत ही वो एक ऐसा देश है जो मंच बना सकता है जिस युद्ध को अमेरिका ने सुलगाया, जो पेच फंसाया पश्चिमी देशों के बीच, उसको सिर्फ सुलझाने का जो मंच है वो भारत ही क्रिएट कर सकता, अभी भी उसे यही लगता है। देखिए, ये बात तो सच है कि भारत एकमात्र ऐसा देश है जो अभी फिलहाल दोनों पक्षों के साथ बहुत भरोसे के साथ बातचीत भी कर रहा है। पिछले महीने प्रधानमंत्री मोदी और जेलेंस्की की मुलाकात हुई थी G7 की मीटिंग के दौरान, और अब जब आज कुछ देर के बाद प्रेसिडेंट पुतिन से औपचारिक तौर पर बातचीत होगी, उसमें भी भारत का पक्ष यही रहने वाला है कि बैटलफील्ड में सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, आपको डायलॉग और डिप्लोमेसी में ही आना होगा। रही बात किसी भी देश के संप्रभुता को लेकर, तो भारत हमेशा से जो संयुक्त राष्ट्र के नियम है उसी हिसाब से आगे चल रहा है। और संप्रभुता की बात आती है तो केवल यूक्रेन की संप्रभुता नहीं है, रूस की संप्रभुता पर भी तो खतरा है। जब आज नाटो का सम्मेलन हो रहा है, वो नाटो का सम्मेलन किस बात के लिए हो रहा है, नाटो का एक्सटेंशन किस बात के लिए हो रहा है, उससे रूस की संप्रभुता पर भी खतरा है। तो भारत केवल अमेरिका की हां में हां नहीं मिलाने वाला है, बल्कि इसकी जो रियल सिचुएशन है उसको भारत समझ रहा है, और इसलिए भारत चाहता है कि टेबल पर बातचीत हो, ना कि बैटल फील्ड पर ये डिसाइड हो। और यही बात प्रधानमंत्री मोदी इस बार प्रेसिडेंट पुतिन को कहने भी वाले हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। और देखिए, अमेरिका के इस बयान को लेकर भारत की तरफ से जवाब भी आ गया है। भारत हमेशा यूएन चार्टर का सम्मान करता है, क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता का हम सम्मान करते हैं, ये कहा गया है। युद्ध के मैदान में कोई समाधान नहीं निकलेगा, डायलॉग और डिप्लोमेसी ही एकमात्र रास्ता है, ये भारत की तरफ से प्रतिक्रिया सामने आई है मनीष। और अपने आप में ये कहीं ना कहीं बताने के लिए काफी है कि भारत का स्टैंड दुनिया जानती है इस युद्ध को लेकर, कि ये युग युद्ध का नहीं है, युद्ध से कोई सलूशन नहीं निकलने वाला। लेकिन जो अमेरिका कहे वही हम रूस से बात करें, ये तो अब मुमकिन नहीं। बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, अमेरिका के टर्म एंड कंडीशन पर तो हम नहीं मिलने वाले हैं, और ये बात हम आज नहीं बल्कि जब ये युद्ध शुरू हुआ था तब से हमने खारिज कर दिया। तमाम दबाव थे कि तेल मत खरीदो, रशिया के साथ इंगेज मत हो, हमने उन सबको खारिज करके अपनी दोस्ती अपना रिलेशन बनाए रखा। अब आगे क्या होगा, तो सितंबर 2022 में जब प्रधानमंत्री मोदी और प्रेसिडेंट पुतिन मिले थे, तब प्रधानमंत्री ने कहा था कि यह युग जो है वो युद्ध का नहीं है। लेकिन आज जब मॉस्को में दोनों नेता मिलेंगे तो उसमें प्रधानमंत्री मोदी यही कहने वाले हैं कि बैटल फील्ड में सॉल्यूशन नहीं होगा, आपको बातचीत के जरिए ही करना होगा। अब ऐसे में आप देखिए, प्रेसिडेंट पुतिन ने एक पीस प्रपोजल भेजा है, अगर अमेरिका और पश्चिमी देशों को लगता है तो उनको बातचीत करनी चाहिए। पिछले दिनों स्विट्जरलैंड में हमने देखा बातचीत में क्या हुआ, आप बिना रूस को बुलाए रूस यूक्रेन युद्ध को कैसे खत्म कर सकते हैं। तो भारत समग्र पिक्चर देख रहा है, अमेरिका की तरह वो आंख में पट्टी बांध के नहीं चल रहा। एक छोटा सवाल, क्या अमेरिका के अंदर डेस्पेरेशन भी है जो मौजूदा गवर्नमेंट है कि युद्ध किसी तरीके से क्लोज हो, क्योंकि चुनाव होने वाले हैं, ट्रंप आते हो तो उन्होंने कह दिया कि मैं तो युद्ध बंद करा दूं। देखिए, आज नाटो सम्मेलन होने वाला है, इस 3 दिन में दरअसल ये तय हो जाएगा कि इस दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध के लिए जाना है या कहीं भी शांति की कोई उम्मीद है। फिलहाल प्रेसिडेंट बाइडेन और उनके सहयोगियों में कहीं शांति वाली ललक दिख नहीं रही है। अब ट्रंप आए तब क्या करेंगे, लेकिन अगले 6 महीने युद्ध चलता रहेगा लगभग कमोबेश यही दिख रहा है। एकमात्र भारत है जो ईमानदारी से सोचता है कि ये युद्ध रुके, लेकिन बाकी जो देश हैं दोनों तरफ से
वो रूस और यूक्रेन के इस युद्ध को बढ़ाना चाहते हैं। ठीक है, देखिए, और रूस यूक्रेन युद्ध के बीच पीएम मोदी का मॉस्को दौरा है, ऐसे में पीएम मोदी की दौरे को लेकर पश्चिम की टेंशन बढ़ी हुई है। आइए आपको समझाते हैं कि पश्चिमी देशों की क्या टेंशन है, उनकी चिंताएं क्या है, जरा उसको भी हम समझाने की कोशिश करते हैं बिग बॉल के माध्यम से। वो तथ्य आपके सामने हम रखने जा रहे हैं। देखिए, पश्चिम को टेंशन क्यों, पीएम मोदी की यात्रा को रूस एक मौके के रूप में देख रहा है, यह बात स्पष्ट है बिल्कुल, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। और पीएम मोदी की यात्रा से पुतिन पश्चिम को बड़ा मैसेज दे रहे हैं, बड़ा संदेश दे रहे हैं। जी हां, रूस को अलग थलग करने के प्लान पर इससे पानी फिरेगा और इसीलिए रूस के लिए भी यह दौरा बहुत अहम है। पश्चिमी देश रूस को दुनिया से अलग थलग करना चाहते हैं और कहीं ना कहीं उनके इरादे पर इससे पानी फिरता नजर आ रहा है। पीएम मोदी की यात्रा से रूस पश्चिम देशों को चिढ़ा सकता है कि देखो, भारत जैसे मजबूत देश के साथ हमारा सहयोग बढ़ रहा है, कम नहीं हो रहा है। भारत रूस के दशकों पुराने रिश्ते से पश्चिम भी परेशान है और चिंता की ये लकीरें वेस्टर्न कंट्रीज के माथे पर साफ नजर आ रही है। बिल्कुल, भारत रूस के बीच कई रक्षा समझौतों पर भी पश्चिम चिंतित है, क्योंकि ये अपने आप में वाकई एक रियलिटी है जो पश्चिम की चिंता बढ़ाएगा। अमेरिकी जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर के ये सारे आकलन है जिसका हम जिक्र कर रहे थे। दत्ता सर, आप इन सारी चीजों को कैसे मेजर करेंगे, कैसे इसको एनालाइज करेंगे, वेस्ट की एक्चुअल चिंता इस मीटिंग को लेकर क्या हो सकती है, हथियारों की, इकोनॉमिक डील की, या फिर जो भारत और रूस के बीच दुनिया के सारे हितों को किनारे करके म्यूचुअल जो इंटरेस्ट है उनको सर्व करने को लेकर बातचीत हो रही है, क्या एक्चुअल चिंता है वेस्ट की अभी? देखिए, ऐसा है कि वेस्ट, तो अगर हम वेस्ट की बात करें तो वेस्ट क्या है, नेटो और अमेरिका। अभी नेटो और अमेरिका लगातार यूक्रेन को उकसाया है, उन्होंने यूक्रेन को मदद लगातार दे रहे हैं कि किसी प्रकार रूस को वो दबा पाएँ, उसकी इकॉनमी तबाह कर पाएँ और उसका एक जो सुपर पावर का एक स्ट्रक्चर है उसको गिरा पाएँ। तो ये तो उसकी पूरी वेस्ट की जो फोकस रहा है इसी चीज़ के ऊपर रहा है। जहाँ तक भारत का सवाल है, भारत हमेशा मानता है कि आप हर एक देश को अपने हित को देखने का पूरा हक होना चाहिए, यूनिपोलर वर्ल्ड होना चाहिए और हर एक देश को अपना जो भी उन्होंने विचार करना है, जो प्लान करना है, जो एक्शन लेना है उसकी अपनी देश के हित में होना चाहिए। और इसी को लेके चलते हुए आगे जो वेस्ट का खतरा है कि कहीं हिंदुस्तान भी रूस, चीन, ईरान, नॉर्थ कोरिया और जो और मुल्क हैं दुनिया के जो वेस्टर्न ब्लॉक के खिलाफ ना हो जाएं, क्योंकि अगर वो हो जाता तो आप सोचे कि ये पूरा जो सित्ता है पूरा साउथ एशिया का वो ये वेस्ट के कंट्रोल से आउट हो जाएगा। लेकिन भारत हमेशा न्यूट्रल रहा है, वेस्ट के साथ भी हमारी दोस्ती है, रूस के साथ भी हमारी दोस्ती है। चीन को हम हमेशा समझा रहे हैं, भाई आप जब तक ये बॉर्डर के ऊपर आप समाधान नहीं निकालेंगे हमारा आपके साथ कोई भाईचारा, कोई बिजनेस, कोई चीज़ नहीं चलने वाली। और इसी को लेकर हम एससीओ में भी नहीं गए थे और ये मैसेज क्लियर गया, इसलिए प्रधानमंत्री एससीओ में नहीं गए, रूस गए अभी। तो ये जो इनका जो खतरा है दिल में वेस्टर्न कंट्रीज का कि कहीं ये ऐसा ना हो रूस जो जिसको दबाने की चेष्टा कर रहे थे वो और पावरफुल होके उभर रहा है अभी, उसकी इकोनॉमी नहीं तोड़ पाए, वो लगातार उसका मिलिट्री जो गेंस है वो बढ़ते चले जा रहे हैं ईस्टर्न यूक्रेन के अंदर। अभी उसने कीव में और लिविव में भी भारी स्ट्राइक करा है और उसका ये वार्निंग है नेटो को कि आप मत दीजिए हथियार, आपके हथियार देने से जंग नहीं रुकने वाली और ना ही यूक्रेन को आप बचा पाएंगे। तो ये अभी वेस्ट को सोचना भी नेटो के मीटिंग के अंदर निकल के आएगा कि आगे क्या चाहते हैं, ये क्या नेगोशिएशन चाहते हैं कि जंग के अंदर ही लगे रहना चाहते हैं। और एक और बात, जितना हथियार सही बात है सर।